मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्वारंटीन किए गए हैं। 11 मई को मुंबई से अपने पैतृक गांव बुढ़ाना आए थे। प्रशासन ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया है। नवाजुद्दीन, पत्नी, माता पिता और भाई, इन सभी को क्वारंटीन किया गया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना निवासी हैं नवाजुद्दीन और इनको क्वारंटाइन किया गया है। आपको बता दें, मुंबई से अपने पैतृक गांव बुढ़ाना गए हुए थे, जिसके बाद प्रशासन ने इनको और इनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के निवासी हैं नवाजुद्दीन और अपने पूरे परिवार के साथ अपने पैतृक गांव गए हुए थे, जिसके बाद अब इन्हें क्वारंटाइन किया गया है और उनके साथ साथ इनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना निवासी हैं नवाजुद्दीन। विजय मुंडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय, हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को नवाजुद्दीन के क्वारंटाइन किए जाने के मामले के बारे में। प्रशासन ने नवाजुद्दीन और उनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया है, डिटेल्स जानना चाहेंगे विजय आपसे। देखिए, आपको बता दो, फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के रहने वाले हैं और वो अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ बुढ़ाना, गोम्बे से बुढ़ाना पहुंचे थे, जिनको मुजफ्फरनगर स्वास्थ्य विभाग ने 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया है। फिलहाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी 14 दिन तक किसी भी किसी ना मुलाकात कर सकेंगे और ना किसी से मिल सकेंगे। जी, जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के बीच किस तरीके से नवाजुद्दीन पूरे परिवार के साथ मुंबई से मुजफ्फरनगर आ गए, क्योंकि लॉकडाउन के बीच तमाम पाबंदियां लगी हुई हैं। जी, आपको बता दूं, मिली जानकारी के अनुसार नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉम्बे से वहाँ जो प्रशासन से परमिशन लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।